हेलो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका ऑनलाइन क्लास टीचर, आपका यूट्यूब चैनल टीचर एमएल सैनी नर्सिंग ऑफिसर। तो दोस्तों, आज शायद आपको मजा आ गया होगा क्योंकि आज आपका पेपर है जो दिल्ली एम्स का, जो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे दिल्ली एम्स के कम्बाइंड एम्स के पेपर के ऊपर। कैसा आपका पेपर रहा, कैसा क्या पैटर्न था, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, ये सब चीजें अपन डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। अगर आप कंबाइंड एम्स का एग्जाम देख रहे हो या अदर स्टूडेंट भी है, उनको भी आइडिया लग जाएगा कि दिल्ली एम्स कैसा पेपर लेता है, कैसा उसका पैटर्न रहता है। तो अपन इस बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कोई स्टूडेंट पहली बार अगर हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहा है, हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन आज के कंबाइंड एम्स के पेपर के ऊपर। शायद आज आप सभी को मजा आ गया होगा पेपर का पैटर्न देखकर या पेपर की क्वेश्चन आंसर देखकर, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन है, क्वेश्चन की अपन बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन है वो वन लाइन क्वेश्चन थे। हालांकि देखिए, आपको कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो मैंने क्या स्टूडेंट्स के रिव्यू ले रहा हूँ कि जब से एग्जाम्स खत्म हुए, जो आपका पेपर एंड हुआ 1 बजे के बाद से, मैं कंटिन्यू स्टूडेंट से कनेक्ट हूँ और उनसे रिव्यू ले रहा हूँ ताकि वो मेरे आगे जो आंसर की वगैरह बनाने में या जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें काफी हेल्पफुल रही। तो काफी सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि पेपर ईजी था, इससे जो 2019 में जो पेपर था उसके अकॉर्डिंग काफी ईजी था। बट एक बात हमेशा माइंड में रखना कि दिल्ली एम्स कभी भी इजी पेपर नहीं देता। दिल्ली एम्स का कोई भी पेपर इजी नहीं होता। प्रोसीजर रिलेटेड पेपर ज्यादा था, प्रोसीजर रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस थे, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, या जो अपन बात करें तो जैसे कि ऑनलाइन क्वेश्चन ज्यादा थे, एनक्लेक्स पैटर्न के क्वेश्चन कम थे। हालांकि एनक्लेक्स से थ्योरी से क्वेश्चन काफी सारे थे, जो मैं आपको हर बार बताता था कि आपको एनक्लेक्स की जो कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए एमएसएन हुआ, एमएसएन में कार्डियोवास्कुलर चैप्टर हुआ, तो कार्डियोवास्कुलर चैप्टर जैसे स्टार्टिंग होता है मोस्ट भी में क्या होता है, शुरुआत में उसकी एनाटॉमी होती है, उसके बाद में क्या मेडिसिन से रिलेटेड जो टॉपिक होता है, और उसके बाद में प्रोसीजर रिलेटेड जो भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से जितनी प्रोसीजर्स होती है उससे रिलेटेड है, जो प्रोसीजर्स के बारे में होता है। तो वहां से डायरेक्ट काफी सारे क्वेश्चन आए, पोजिशन आए, तो वो सब आपको उस प्रोसीजर वाला जो टॉपिक है मोस्ट भी में वहां से मिलेगी। प्लस इसके अलावा काफी सारी इमेज भी जो प्रोसीजर रिलेटेड ही आई, जैसे कि मान लीजिए कलर कोडिंग आया, जो इमरजेंसी कलर कोडिंग हुआ, या फिर कैनुला का कलर कोडिंग हुआ, या ब्लड ट्रांसफ्यूज करने वाला हुआ, या फिर इसके अलावा और अपन बात करें तो जैसे कि मैंने क्लास ली थी मेरी, अगर आपने यूट्यूब पर क्लास देखी होगी तो वो जो सर्जिकल चेकलिस्ट वाली, साइन इन टाइम आउट और साइन आउट है, ये इसके भी आपका क्वेश्चन आया, जो मैंने आपको ट्रिक भी बताया था उसको याद करने की, सिटोसा अगर आपको याद होगी, आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप बहुत राइट करके होंगे। और स्टूडेंट्स के मैंने फीडबैक लिया तो स्टूडेंट बता रहे हैं सर आपकी क्लासेस से काफी सारे क्वेश्चन आए, और जो हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाई थी, सिर्फ 4 दिन 5 दिन हमने ऑनलाइन सीरीज चलाई थी, जो मात्र सिर्फ 50-50 क्वेश्चन की सीरीज थी, 8 सीरीज थी, मात्र 50-50 क्वेश्चन की, यानी कि 400 क्वेश्चन हमने स्टूडेंट्स को, जो हमारे से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनको सिर्फ 400 क्वेश्चन देते हमने एनक्लेक्स से बनाकर। तो उनका कहना है कि सर आपके 400 क्वेश्चन में से 25-30 क्वेश्चन तो जो क्या बोलते हैं, जो थ्योरेटिकल वाली जो सीरीज थी ऑनलाइन सीरीज, उनसे प्लस जो आपने इमेज बेस्ड की जो क्वेश्चन बनाए थे, जो 2 सीरीज थी उनमें से 10 से 15 आपने पूरी इमेज मैच खा रही है। तो हमारे को या मेरे को, मेरी मिशन हाई क्लासेस टीम को बहुत खुशी हो रही है कि हमने सिर्फ 4-5 दिन में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में जो स्टूडेंट्स को दिया, उनके 15-20-30 क्वेश्चन तक हमारी सीरीज से मिले। हालांकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए मैं नहीं कहूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट मिले, और इनडायरेक्टली है जो कहीं ना कहीं उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब इसके बाद में बात करें, देखिए जो ऋषिकेश का पैटर्न था, ऋषिकेश का पूरा टोटल 100% उसका एनक्लेक्स का था। दिल्ली एम्स में जो भी जो आज का पेपर था इसमें पूरा एनक्लेक्स का नहीं था, एक तरह से इसको अपन वन वे नहीं कर सकते, टू वे नहीं कर सकते, थ्री वे कर सकते हैं, यानी कि मिला जुला पेपर था ये, सभी बुक से इसका रेफरेंस था। पार्टिकुलर अपन किसी बुक को इसका क्रेडिट नहीं दे सकते या नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि इसका पेपर जो मैंने स्टूडेंट्स के रिव्यू लिए उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही लग रहा है कि जो इसमें जो क्वेश्चंस आए वो एनक्लेक्स से भी थे, सोंडस मोस्बी से भी थे,
और मोस्टली ये जो प्रोसीजर रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, टारगेट आईसी भी कई सारे क्वेश्चन थे। इसके अलावा है जो पीआर यादव हुई या फिर प्रीति अग्रवाल हुई या टूडे हुई, जो भी बुक्स सभी बुक्स से मिले जुले सब क्वेश्चन थे। इसके अलावा इमेज बेस्ड के अलावा वीडियो बेस्ड भी दो पांच क्वेश्चन थे, जिसमें जो टेक्योस्टमी का कुछ वीडियो था और इंटूगेशन का वीडियो था, प्लूरल डिफ्यूजन का बता रहे थे कुछ, और जो और चार या पांच शायद समथिंग वीडियोस थे। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे को जो स्टूडेंट्स जैसे बता रहे हैं वैसा बता रहा हूँ, हो सकता है चार पांच के दो वीडियो भी हो या दस वीडियो भी हो, जैसा मेरे पास रेफरेंस आया, जैसे मेरे पास वीडियो गए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीजें हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि इसमें है जो वन लाइन क्वेश्चन ज्यादा थे। वन लाइन क्वेश्चन का मतलब है कि आपने, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वन लाइन क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा होगा, बट अगर आपने गलती की होगी कहां पर, अगर पूरा क्वेश्चन अगर आपने पढ़कर एग्जाम नहीं दिया हो, या फिर आपने जैसे वन लाइन क्वेश्चन में भी आप क्या करते हो कि हाफ क्वेश्चन पढ़ते हो, डायरेक्ट अगर आंसर पर चले गए होगे तो वहां पर आपका नेगेटिव होने के ज्यादा चांसेज हुए होंगे होंगे। तो मैंने कल वीडियो डाली थी कि आपको नेगेटिव मार्किंग कैसे बचना है। अगर आपने मेरी जो ट्रिक पूरी फॉलो की होगी, अगर मेरी ट्रिक पूरी फॉलो की होगी, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आपने अगर जैसे कि मान लीजिए 160 क्वेश्चन करके आए हैं, तो आपके नेगेटिव में जाने के बहुत कम चांसेस होंगे। आपके 15-20 क्वेश्चन ज्यादा या 10-12 क्वेश्चन ज्यादा आपके नेगेटिव नहीं जाएंगे, अगर आपने मेरी वाली ट्रिक फॉलो की होगी। तो आप इससे पीछे वाली वीडियो सर्च करके देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, वो वाली वीडियो देखना। मैंने बहुत अच्छी सिंपल सादगी से इतनी गजब की वीडियो जो नेगेटिव मार्किंग से बचने की ट्रिक्स बताई थी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे कि मानकर चलिए इसमें जो सीवीपी वगैरह पर भी क्वेश्चन था, सेंटर वीनस प्रेशर भी जो उस पर क्वेश्चन था, या फिर इंजेक्शन साइट पर एडल्ट या चाइल्ड में उस पर भी क्वेश्चन था, उस पर भी क्वेश्चन थे। ठीक है, अब इसके बाद में है जो अपन बात करते हैं, जैसे कि मान के कुछ एकाध रिट्रैक्टर भी थे, जो मायोसीजर भी था, ठीक है, होलोट्रेक्शन हुआ, या फिर जो अपन क्या करते हैं इसका, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब एक तरह से जो ऑनलाइन क्वेश्चन अपन कह सकते हैं। तो अब बात, चलो पेपर का आपका अच्छा हो गया, सब कुछ से हो गया, इसमें बात आती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आपको इतने क्वेश्चन आपको कैटेगरी वाइज अटेम्प्ट करने हैं। अब आपने मेरे ख्याल से सभी ने अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि इसका कट ऑफ का लेवल है जो देखिए एक अपन को आइडिया लग जाता है। कट ऑफ एक होती है जब पेपर का पैटर्न ऐसा हो, जैसे कि दिल्ली का पिछला पैटर्न था, दिल्ली एम्स का पिछला 2018 का पेपर था, सभी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पता नहीं कहां से पेपर आ गया, मतलब एक तरह से ठप पेपर अपन बता रहे थे, पर मान रहे थे रियली वो ठप भी था पेपर। तो उसका कट ऑफ भी आपको मालूम होगा कि 125-127 जिनके मार्क्स आ रहे थे उनका लास्ट तक उनका सिलेक्शन हुआ था। तो अब उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें कंपेरिजन करेंगे, तो मेरे ख्याल से 2018 में जो कट ऑफ रही थी उसके ऊपर ही रहने वाली है या रह सकती है। अब ये विषय कट ऑफ का विषय अपना इस वीडियो में नहीं है, कट ऑफ का सब्जेक्ट अपना नेक्स्ट वीडियो में है, जो मैं रात को या कल अर्ली मॉर्निंग में आपके सामने अपलोड करूंगा, जिसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे प्लस जो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अपन बात करेंगे नेक्स्ट कल वाले वीडियो में। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए हमारी जो ऑनलाइन सीरीज हमने चलाई थी वो इससे सिर्फ 5 दिन हमने बहुत ही कम लिमिटेड क्वेश्चन की सीरीज बनाई थी, उसमें भी अगर इतने हमारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, मैं स्टूडेंट के फीडबैक आपको दिखाऊंगा, आपको उसके लिए वीडियो बनाऊंगा अलग से। ठीक है, तो इसी तरह हम है जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, अब जैसे कि जिपमर का एग्जाम आने वाला है 23 फरवरी को, उसके बाद पीजीआई का आने वाला है, और उसके बाद में यूपीएनएचएम का है जो उसका भी एग्जाम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में और जो भी जितने भी एग्जाम आएंगे, तो आप हमारे को रजिस्ट्रेशन करवाए, अभी से हमने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं, आपको हमारे कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और आने वाले सभी एग्जाम के लिए आप बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप घर बैठे वो जो सीरीज ले सकते हो, और एक तरह से बिना कोचिंग किए, बिना कोचिंग, क्योंकि आजकल देखो कई सारे गरीब स्टूडेंट भी होते हैं या बिजी शेड्यूल के कारण जो सभी स्टूडेंट्स है वो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, क्योंकि कोचिंग जाने के लिए आपको 5-7 आवर्स चाहिए जो आपको वहां पर स्पेंड करने। बाकी हमारी जो टेस्ट सीरीज है हम आपको इजी वे में ऑनलाइन, जैसे आपका ऑनलाइन आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक वैसे ही आपको सीरीज उपलब्ध करवाएंगे, साथ ही पीडीएफ जिसमें पूरे क्वेश्चंस का रेशनल होगा, और वो आपको उसी दिन जिस दिन आपको एग्जाम होगा ऑनलाइन उसी दिन हम आपको पीडीएफ भी भेजेंगे, ताकि आप उस पीडीएफ को इन फ्यूचर कभी भी किसी भी एग्जाम में रिवाइज कर सको। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो हमारे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे कॉन्टेक्ट नंबर लेकर डायरेक्ट हमें मैसेज करें, और मैसेज में लिखकर भेजें हाय मिस्टर हाई,
और आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम, आपका सिटी और आपका मोबाइल नंबर लिखकर हमारे को भेजें, हम आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और जो भी हमारे पास मटेरियल होगा आपको बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में आपको उपलब्ध करवाएंगे। आपको एक आपके घर के एनवायरमेंट में, आपको एक फेवरेबल एनवायरमेंट में ही घर पर ही आपको एक तरह से स्टडी मटेरियल का पूरा जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये हो गई चीजें। अब अपन बात करते हैं आगे की। चलो ये तो अपना आज का एग्जाम हो गया, ठीक है। अब रिजल्ट देखो, अपन ने काफी मेहनत की, अब रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट के उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक दो दिन में इसका जो है आ जाएगा, 2-5-10 दिन में जो भी होगा। अब आपके सामने आगे का जो रास्ता है वो है पीजीआई का है और जिपमर का है। देखिए मैं देखो दिल्ली एम्स का तो इतना श्योर नहीं था कि ये कहां से पेपर देखा, किसे इसका हर बार नए पैटर्न होता है, बट पीजीआई का पिछले में 3 साल से 2016 का पेपर देखा, बठिंडा एम्स का देखा, उसका लाइब्रेरी संगम का उसने करवाया था, 3 साल पेपर देखे या खुद उसका भी देखा। तो उन्होंने ओवरऑल ज्यादातर क्वेश्चन से वो मोस्टली एनक्लेक्स से देता है या सोनडर से देता है। तो आपको जिपमर या पीजीआई के लिए कंटिन्यू एनक्लेक्स पर ही फोकस करना। ये नहीं है कि दिल्ली एम्स ने ऑनलाइन क्वेश्चन दिया तो पीजीआई भी ऑनलाइन क्वेश्चन या इसी तरह का पैटर्न देगा, ये बिल्कुल भी गलती मत करना। एनक्लेक्स को पढ़ते पढ़ना मत छोड़ना। अगर आपने एनक्लेक्स अच्छे से समझ लोगे ना, अच्छे से उसको उसके कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो आप कौन सा भी एग्जाम फाइट कर सकते हो। तो आपको रेगुलर एनक्लेक्स भी पढ़नी है, साथ में आपको बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके स्कोरिंग क्वेश्चन जिनको बोलते हैं अपन, जो ऑनलाइन क्वेश्चन जो आज दिल्ली एम्स में स्कोरिंग क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा था, इन क्वेश्चन को आपको अदर बुक से पढ़ने, क्योंकि स्कोरिंग क्वेश्चन आपको एनक्लेक्स में बहुत कम मिलेंगे। तो उन क्वेश्चन को आपको अदर बुक, चाहे वो टारगेट आई हो या फिर वो पीआर यादव हो या तीसरी कोई बुक हो, तो वहां से आपको वो जो स्कोरिंग क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी जल्दी, कल अर्ली मॉर्निंग या फिर रात में वीडियो डाल दूंगा, जिसमें अपन मेमोरी बेस्ड पेपर में बनाना स्टार्ट कर रहा हूं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अपन बात करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, और आप हमारे मिशन जो हमारे डायनामिक टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में है जो कमेंट बॉक्स में प्लस आप हमारे को डिस्क्रिप्शन से कॉन्टेक्ट नंबर लेकर हमारे को हाई मिशन हाई करके मैसेज भेजिए, हम आपको घर बैठे ऑनलाइन सीरीज उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। ओके बाय, जय हिंद जय भारत। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिशन हाई नर्सिंग फैमिली की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आए, ठीक है दोस्तों। ओके जय हिंद जय भारत जय नर्सिंग।